24 इंडिया टीवी झारखंड बिहार। धरने के समर्थन में पहुंचे पूर्व मंत्री सह टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो। दरअसल खबर धनबाद जिले के एमपीएल ओपी क्षेत्र की है, जहां पर पिछले दो दिनों से झामुमो के वरिष्ठ नेता सह एमपीएल विस्थापित समिति के अध्यक्ष अशोक मंडल अपने समर्थकों के साथ पूर्व में लिखित रूप से हुई इकरारनामा के अनुसार अपने मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वही मंगलवार को धरना प्रदर्शन के समर्थन में पूर्व मंत्री सह चुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो एमपीएल पहुंचे, जहां उन्होंने कहा एमपीएल एवं विस्थापितों के बीच पूर्व में जो लिखित इकरारनामा बनी थी उसमें उल्लेखनीय जो भी मांगे हैं एमपीएल प्रबंधन उस पर अमल करे, अन्यथा यह धरना प्रदर्शन जो है आने वाले समय में एक बहुत बड़ा आंदोलन का रूप ले सकता है। वही आपको बता दें कि हमारे सहयोगी के द्वारा झारखंड विधानसभा सचेतक श्री महतो जी से अर्धनिर्मित बरबिंदिया पुल के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा पुल जल्द ही निर्माण होगी। जहां वर्तमान सरकार के कार्यकाल अभी भी 2 साल बाकी है, वही इसी बीच पुल निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। धनबाद से हमारे सहयोगी गुबई घोष की रिपोर्ट। जो इकरारनामा है उसको हमने देखा है और इकरारनामा को 100% लागू करें इसी के लिए धारणा है। इकरारनामा के माध्यम से हम भी इस बात को संबोधन में हम लोग कहे हैं कि जितना जल्दी हो सके इसका निराकरण एमपीएल करें, नहीं तो फिर आने वाला दिनों में भी आंदोलन होगा और इस पर जो है कार्रवाई पूरे जो पर होगी। सर एक सवाल और है कि जैसे कि यहाँ हमारे अर्धनिर्मित जो बरबंदिया पुल है, बार बार कहने के बावजूद भी सरकार जो इस पर दिशा केंद्रित नहीं कर रहे, इसके बारे में क्या कुछ कहेगा? देखिए बरबंदिया पुल जो है वो तो बन ही रहा था, लेकिन जब से ये गलत तरीके से बनने के कारण जो है उस पर जांच प्रक्रिया चल रहा था, इसलिए वो रुका हुआ था। लेकिन समय समय पर ये मामला सरकार के संज्ञान में हम लोग देते हैं और ये पुल एक ना एक दिन जरूर बनेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। और इसकी हमारे ख्याल से जो हम लोग अभी भी 2 वर्ष है इस सरकार का, इसके अवधि में ही ये बनेगा।